दे रहा हूं आपका। शमशुद तो हबदर तो जाइए सब उन्हीं के नाम है। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, जो आशिक रसूल है, पिछले बार हमने और एमिना मोइनुद्दीन पढ़ी थी, मगर जो आशिक रसूल बैठे हैं उनके नाम मुबारक को भरोसा करके ये मतलब दे रहा हूं, नहीं पता आज क्या होगा। शमशुद
का चेहरा मुबारक दिखा है मेरे यार का। मगर ऐसे नहीं, जमीन बाज़ आप शेर सुनिएगा मुकम्मल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह के नाथ पाऊं तो पूरी रात नाथ ही पाऊंगा, उसमें मनगबत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नाथ पाऊं तो नाथ ही होना चाहिए। हेलो हेलो हुजूर, अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी साहब मुझे टोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला अपने रसूल के लिए फरमा रहा है कि मेरे महबूब तुम्हारे हुस्न का कौनैन में जवाब नहीं, तुम्हारे हुस्न का कौनैन में जवाब नहीं, गुरूब हो जो कही है वो आफ्ताब नहीं। कसम खुदा की, खुदा भी ये साफ कहता है मेरा जवाब तो तू है, तेरा जवाब नहीं। तस्वीर नहीं है, नेहरू के भी ख्वाबों की ताबीर
गनी निशाने सखावत समेत ली हजरत उमर निशाने अदालत समेत ली उस्मा गनी निशाने सखावत समेत ली मौला अली ने जिसकी मदद रसूल ना फरमाएंगे आज जन्नत में वो खुदा की कसम जा नहीं सकता, मगर जिसकी मदद रसूल ना फरमाएंगे आज जन्नत में वो खुदा की कसम जा नहीं सकता, मगर सुन्नी मुसलमानों के दो दो हैं सहारे
हेलो, आज पंजाब के शेर हैं भाई साहब और यूपी के बबर शेर हैं। मगर मियां ये मजाक की बात है। हेलो हेलो, लाउड कर दो हम भाई तो मगर सुना जी, हम तो ऐसे शेर के गुलाम हैं। हेलो मैं चेक, हेलो छिंदवाड़ा वालों, ये तो एक मजाक की बात थी, मगर हम तो ऐसे ऐसे शेर के गुलाम हैं मॉनिटर के पास जिसके आगे कोई शेर नहीं जमता। हेलो लाउड, क्योंकि ऐसा तो जमाने में कोई शेर नहीं है हाजिर, ऐसा तो जमाने में कोई शेर नहीं है। हेलो हेलो, पास के तो नाम में भी जेर नहीं है। क्यों आवाज बढ़ा दो सर, हम सुन्नी मुसलमानों के शाहिद भाई और बड़े भाई हमारे जो साइड में बैठे हैं, तवज्जो चाहता हूं आप सभी हजरात की। और तनवीर भाई ये शेर सुने, ये वो महफिल है जिस महफिल में इबादत मुस्कुराती है। सुना भाई, ये वो महफिल है जिस महफिल में इबादत मुस्कुराती है, दुआ कबूल हो जाए तो किस्मत, दुआ कबूल हो जाए तो किस्मत मुस्कुराती है। मेरा पैगाम ये आने वाली नस्लों को दे देना, मेरा पैगाम आने वाली नस्लों को दे देना, बहादुर वो है जिसके दिल में मोहब्बत मुस्कुराती है। जी मियां, गुलाम है गुलाम है। छा गई
चल ले। खुशियों के फूल खिलते हैं, खुशियों के फूल खिलते हैं, जीवों के फूल खिलते हैं, खुशियों के फूल खिलते हैं, खुशियों के फूल खिलते हैं, खुशियों के फूल खिलते हैं, तशरीफ मोहम्मद लाते सामने मेरे बुजुर्ग बार बैठे हैं, मेरे अजीज, दुआओं का मंतजर हूं आपसे। उल्फत मेरे रसूल की दुनिया पे छा गई, उल्फत मेरे रसूल की दुनिया पे छा गई, आकर बापू के मजार से आवाज आ गई, मजार से आवाज आ गई, मजार बापू के मजार से आवाज आ गई। आसिम ने ये छिंदवाड़ा वाले शेर सुने, क्योंकि आप लोग सरकार इमाम हुसैन अली मकाम के बेपना चाहने वाले हैं। पैसे मत दो, आज गाना सुनो, पैसे तो आप लोग पूरी रात दोगे, मगर आज मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज आपकी दुआ चाहिए, क्योंकि दुआ करो कि दुआ ये कबूल हो जाए, दुआ करो ये दुआ ये कबूल हो जाए, करे हबीब के कदमों की धूल हो जाए, करे हबीब के कदमों की धूल हो जाए, सफर मेरी तो यही आखिरी तमन्ना है, नात पढ़ता रहूं और दम निकल जाए, नात पढ़ता रहूं और दम निकल जाए, और दम निकल जाए, और दम निकल जाए। बड़ा मशहूर शेर, तमाम सूफिया इकराम से शेर पर तवज्जो चाहता हूं। एक हिंदू शायर है जिनका नाम राम कुमार दर्द है, क्योंकि यहाँ हिंदू भाई मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत सारे हैं, और इंशाल्लाह आज एक कलाम हिंदू भाइयों के लिए भी नजर करूंगा, क्योंकि कल रामनवमी है, कल का जश्न मनाने में लगे हैं सब लोग। मैंने देखा कि छिंदवाड़ा भैया जी, पंडित जी, जैन साहब, अरे माशाल्लाह, देखिए भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस एकता के लिए, जोरदार, जो अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं सारे लोग तालियां बजाते, क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। पंडित जी, हाँ दोनों शुक्ला जी और हमारे जैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ सब मौजूद हैं, मुल्ला जी भी मौजूद हैं, पंडित जी भी मौजूद हैं साहब, सामने मेरे दो जवान भी कुछ हिंदू भाई बैठे हैं, और आज इन्होंने, देखिए बड़ी खुशी की बात है बाबाजान, बड़ी दूर की बात करूं, कल रामनवमी है तो इनके स्टॉल, जरा एक हिंदू भाई अपना स्टॉल ऊपर करेंगे, अपना जो आप लोग गले में डाले में, कोई भी एक हिंदू भाई जरा अपना स्टॉल ऊपर करे, ये जो पीले कलर का डाले में हिंदू भाई, देखिए ये जो ये कलर डाले में, ये चिश्तिया कलर भी है, सरापा एकता की मिसाल है, सामने एकता की मिसाल है, क्यों
हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। मगर दूसरे शायर कहते हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे हाथों से दामाने शराफत कैसे छूटेगा। वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, हमारी एकता न टूटी तो भारत कैसे टूटेगा। शैवाल भाई कसम खुदा की आज की पूरी रात का एक अलग ही शेर है कि मरते किसी को देखे, मरते किसी को देखे तो इंसान रो पड़े। अरे भाई शेर सुनिएगा रफीक चचा, कि मरते मेरे जो पीछे दोस्त खड़े, कि मरते किसी को देखे तो इंसान रो पड़े। न रखा हो कुरान तो जुजदान रो पड़े। क्या बात, क्या बात। कि मरते बेटा अदब की महफिल, कि मरते किसी को देखे तो इंसान रो पड़े। मरते किसी को देखे जहीर साहब, कि मरते किसी को देखे तो इंसान रो पड़े। न रखा हो कुरान तो जुजदान रो पड़े। खुदा दिलों में ऐसी मोहब्बत भी अता कर दे कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। किसी हिंदू का घर चले तो हिंदू का घर चले तो मुसलमान रो पड़े। क्यों या रसूल अल्लाह। मगर देखिए शुक्ला जी, जैन साहब और जितने मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाई यहां तशरीफ फरमाए, शेर सुने। एक हिंदू शायर जिनका नाम है राम कुमार दर्द, वो फरमाते हैं कि उनके रोजे से जो छन छन की हवा आती है। वाह, या तो तुम बातें कर लो या मैं गा लूं। इधर आ जाओ आप, इधर मेरे पास बैठो, वरना मैं माइक आपके हाथ में दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा, आप जाते रहना। तभी तो चाहूंगा दोस्तों से, हिंदू शायर जनाब राम कुमार दर्जी फरमाते हैं कि उनके रोजे से जो छन छन के हवा आती है, एक हिंदू शायर है बड़े भाई, कि उनके रोजे से जो छन छन के हवा आती है, दर्दमंदों के लिए बन के शिफा आती है। कैसे मोमिन है नबी को जो बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर सुन के हया आती है। अरे हम तो हिंदू हैं, कैसे मोमिन है नबी को जो बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर सुन के हया आती है। क्योंकि बशर के बोलने वालों को ही ऐसा बशर लाओ। क्या बात, बशर के बोलने वालों कोई ऐसा बशर लाओ कि जिसकी शान में कुरान की एक आयत उतर आए। क्या कहते हैं, क्या बात, कि जिसकी शान में कुरान की एक आयत उतर आए। क्यों, क्योंकि वो तो सैयदुल बशर है, बेशक बशर का तो रूप है, वो तो नूरे खुदा है। क्योंकि हुबहू शक्ल वो इंसान नजर आता है, हुबहू शक्ल वो इंसान नजर आता है, सादे कपड़ों में भी जीशान नजर आता है। कैसे मोमिन है नबी को जो बशर कहते हैं। मिसरा याद रहे कि हुबहू शक्ल वो इंसान नजर आता है, सादे कपड़ों में भी जीशान नजर आता है, कुछ बड़े होके भी, कुछ बड़े होके भी लगते हैं भिखारी जैसे, वो चटाई में भी सुल्तान नजर आता है। रसूल का ये सारी कायनात है सदका रसूल का।